लेकिन मौज भाई आपने जोश के साथ होश से काम लेना, ठीक है? जोश के साथ होश से। और आज वैलेंटाइन डे है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है? सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमने लेट शुरू किया क्योंकि हमें लेट टाइम मिला। तो अभी बस मैं बैठा ही था और अपनी जो पुरानी वीडियोस है ना, जितने मैंने व्लॉग बनाए हैं, तो काफ़ी सारे व्लॉग हो गए थे और मेमोरी फुल हो गई थी, जिसकी वजह से अब और वीडियोज़ नहीं बन रही थी। तो अब मैं बैठा हूँ, वही सारे जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें मार रहे हैं डिलीट। तो बस जब वो डिलीट हो जाएंगी फिर उसके बाद हम दोबारा नए व्लॉग बनाना शुरू करेंगे और नए वो वीडियोस बनाएंगे फिर इसी तरह व्लॉगिंग। अब हमारे जो वीडियोस हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि रोज़ाना आएंगी। तो बस जब आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना कि हमारी व्लॉगिंग आपको अच्छी लगती है या नहीं। तो बस अभी सबसे पहले तो अभी मैं नाश्ता करके फ्री हो गया हूँ और अभी हमने जाना है बाल बनवाने और थोड़ी दाढ़ी बनवाने। तो आप मुझे बताओ कि मुझे मतलब बनवानी चाहिए थी या नहीं, लेकिन अब चलो बनवा लेते हैं। घर वाले भी बोल रहे हैं मूछें भी बड़ी हो रही है, मॉस्टेज इसे बोलते हैं, मॉस्टेज मूछों तो बोलते हैं मॉस्टेज, तो ये भी बड़ी हो रही थी, बाकी मूछें हैं तो रोबदार। तो लेकिन बस अभी मैं जाता हूँ, सबसे पहले वो बाल बनवाता हूँ और दाढ़ी बनवाता हूँ, उसके बाद आएंगे नहाएंगे और आज हम हो जाएंगे फ्रेश 3 हफ्तों बाद। ये मैंने अभी पानी रख दिया उबलने के लिए। तो बस अभी मैंने ना पानी उबालने में भी रख दिया और पानी उबल रहा है, तो जब तक मैं अपने बाल शाल बनवा के आऊँगा तो तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा और मैं नहाने में भी आसानी होगी। और अभी मैं पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि पास में ही है वो जिससे मैं बनवाता हूँ ना, सामने रोड पे। तो अब बाबा जी पर्सनैलिटी बना रही है, ठीक है भाई बनाता हूँ मैं, तो मैं दिखाता हूँ जो जो मुझे बोल रहा था ना कि तू पर्सनैलिटी नहीं बना सकता, तू पर्सनैलिटी बना, ये बना वो बना, तेरा स्टाइल नहीं है, स्वैग नहीं है। अब तुम देखते जाओ बाबा जी, बस बवंडर आ रहा है, बवंडर तूफान आ रहा है, तूफान ऐसा तैयार होना ना, बस तुम देख के हैरान हो जाओगे। तो जो मेरी शेव थी वो सारी जितने भी थी वो ऑलमोस्ट बन गई है। तो मुझे आप बताएं कैसा लग रहा हूँ मैं? तो असल में ना नहीं बनी क्योंकि सीन ये हुआ, मैं वहाँ गया तो उसने मुझे बोला भाई तो क्यों आया, मैंने कहा बाल बनवाने, उसने कहा क्यों ना, मैंने कहा क्या मतलब। तो वो कहते हैं अभी हम खाना खा रहे हैं तो तू थोड़ी देर तक आ, इसलिए मैं अभी वापस घर जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर तक फिर जाऊँगा बनवाने। तो आप सब ये ना बोलना कि ये कोई बहाना बना रहा है, गया हो जा नहीं, हमें झूठ बोल रहा है। बाबा जी मैं गया हूँ और वहाँ से हो के आया हूँ बाकायदा, लेकिन बस अब वो कह रहा है भाई थोड़ी देर तक आ जाइयो। हाँ इस चीज़ की मैं वो गारंटी देता हूँ कि ना आज मैं लाजमी बनवा लूँगा, क्योंकि इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ तो आप सब को भी मैं झूठ बोलता रहा कि आज बनवा रहा हूँ, नहीं भाई आज मैंने लाजमी बनवा लेने। और उसके अलावा क्यों बनवाना है ना, आज है वैलेंटाइन डे। तो अभी मुझे रास्ते में से ना एक दो शाम है, तो मैं सोच रहा हूँ वो शाम करते हुए जाऊँ तो फ्री हो जाऊँगा, फिर थोड़ा सा घर जाऊँगा, फिर उसके बाद बाल बनवाने दोबारा चला जाऊँगा। कि आके मैं घर बैठे ही हूँ और मेरी मम्मा को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। अम्मी कह रही हैं कि तू बाहर गया और सही पे घूम फिर के आ गया होगा और तूने बाल नहीं बनवाए। हालांकि मैं अम्मी को सुबह से बोल रहा हूँ कि उस बेचारे ने रोटी खानी थी, सुबह से नहीं खाया हुआ था उसने, उसने बोला है ढीले ने, क्योंकि ना वो जो नहीं है ना उसका नाम है ढीला, तो मैं उनसे प्यार से ढीला उस्ताद बुलाते हैं, तो उस ढीले ने बोला कि ना वो मतलब थोड़ी देर तक आ जाए यार, हमने खाना खाना है, तो खाना खा के फिर मतलब आज ही बना देंगे तेरी, यार मसला नहीं है। लेकिन अब अम्मी नहीं मान रही है तो अम्मी को कैसे मनाए। तो असल में मैं उसके साथ भी अगर वीडियो बना के आ जाता ना ढीले के साथ के यार बता तू खाना खा रहा है ना, तो फिर चलो अम्मी को थोड़ा ट्रस्ट हो जाता। जुम्मे से आप मुझे कह रहे हैं, जुम्मे के दिन से आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कटिंग करूंगा, मम्मा शेव करूंगा, ना दाढ़ी बनवाई ना कटिंग की, तो नहाए आप, ऐसे कोई करता है दोस्तों बात? तो अम्मी बोल रही है तू इतने दिनों से बोल रहे थे ओ यार, ईद ईद पे बस सिर्फ कटिंग करोगे और शेव करोगे, आज हो जाएगी, आज कुछ भी हो जाए कटिंग शेव करके रहनी है बस। अब टाइम ऑलमोस्ट हो गया है और 5:30 से टाइम है, तो अब मैं दोबारा जा रहा हूँ बनवाने। हालांकि ना अगर सच सच बताऊँ मेरा मूड नहीं हो रहा अब जाने का, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बस यार कल बनवा लूंगा, लेकिन अब जुबान दी है आप सबको मैंने बोला, तो अब मैं जा रहा हूँ उसी लिए। चल अब पहले इतनी देर करा दी, देर कराई है, मजेदार शेव बना मजेदार।
अभी मैं वहां से शेव और बाल बनवा के फ्री हो गया हूँ, और अभी अंधेरा भी हो गया है तो अब लाइट मतलब अंधेरा हो गया, लाइट तो है पड़ी, लेकिन मैं अभी सबसे पहले घर जाना है और नहाना है, तो नहा के फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आप नया लुक जो है वो दिखाते हैं। अभी मैं नहा के फ्री हो गया हूँ टोटली, अभी अभी मैंने सर सुखाया, अपने बाल सुखाया, और जवाद अभी आया। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ख्वातीन और हजरात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। माशाल्लाह। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि गाइज इलाम इकबाल ने फरमाया कि धोती खोलें एंड बटेरा आया। तो बस अभी हम जवाद से पूछते हैं कि जवाद हाँ बता, अब कैसा लग रहा है मेरा न्यू लुक, सही है या नहीं? मैं अगर देना चाहूँ ना 10 में से दे 15। देखा पर्सनैलिटी ऐसी है बंदे, ये बंदा 15 नहीं दे रहा, मैं अगर दूं 10 में से 15 नहीं दे रहा, फिर मैं अगर दूं ना 10 में से इतना मासूम है यार। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। भाई जान 10 में से ना आपको अगर मैं दूं, जल्दी बोल मेरा हाथ 10 में से 15 जा यार, क्या याद रखेगा जा। तो अभी बस मैंने ना थोड़ी देर तक वो क्या बोलते हैं यार उसे, नहाया तो है, वो फेस मास्क जो है वो लगाना है, तो फेस मास्क लगाते हैं यार। वो कैसे है ऐसे? हाँ ऐसे है, तो फेस मास्क लगाना है अभी थोड़ी देर तक, ठीक है? तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यार तू तो माशाल्लाह पहले से ही खूबसूरत है। खूबसूरत होना, लेकिन चेहरे पे थोड़ी मैल बैठ गई है, तो वो मैल उतारते हैं। जवाज से रखवाता हूँ, लेकिन जवाज किसी काम का नहीं है, बस उससे उसने आके ये पूछना होता है की यूट्यूब चल रहा है, व्लॉग बना लिया, वीडियो बना ली, तो इसीलिए मैंने अम्मी को बुलाया है, तो अम्मी अब मुझे अब लगाएंगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लोगों, मेरे बहन भाइयों, बेटों बहनों, कैसे हैं आप सब? आज मुआज बहुत सोना हो रहा है माशाल्लाह। अब मैंने सोच लिया, मैंने अपने सारे भाइयों से ज्यादा प्यारा बनना है, बस इतना प्यारा कि लोग बोलने He's our crush। लेकिन ये तो अभी चलो ख्वाब है, इसे हम हकीकत में बदल देंगे। कौन सा होता है कद्दूकश होता है, कौन सा क्रश होता है? वो सब्जी नहीं। हाँ। ये दूसरा इंग्लिश का लफ्ज है। इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश होती है, इंग्लिश ही होती है। मुझे सिखाते नहीं हो हैं? अगर आपको इंग्लिश सिखा दी तो ऐसे मेरे सारे राज खुल जाएंगे, इसीलिए मैं ज्यादातर ना अम्मी से इंग्लिश में बात करता हूँ, ताकि अम्मी को मैं अपनी दिल की बात भी कह दूँ और अम्मी को कुछ पता भी नहीं चले। सो आई वुड लाइक टू स्पीक ऑलवेज इन इंग्लिश एज यू नो। तो बस आइंदा जो भी राज की बात होगी वो मैं आप सबको इंग्लिश में बता दिया करूँगा। बाकी अभी अजान शुरू हो गई है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप सबसे। तो अभी ना मैं बैठा था काफ़ी देर से, 15-20 मिनट होने के बाद ना, तो अब ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सूख ही गया है, तो मेरे बाल भी इसके नीचे आए हुए हैं बेचारे, तो ये बाल पहले यहाँ से छुड़वा लें। तो बाल भी निकल आए, और सबसे पहले हम ना ऐसा करते हैं कि ये मास अब सूख गया, अभी इसे उतारते हैं। तो ये रहा मास, तो देखा कैसे उतर गया सारा मास। तो अब हम ऐसा करते हैं इसे उतारते हैं, ये वाला मास मेरे ख्याल से थोड़ा गीला है, लेकिन बस जितना था हो गया। तो देखा कि एक मिनट, तो अब मेरा सही जो वो था ना हुसन आया सुबह, जो मेरे दोस्त ये देख के फ्लैट हो जाएंगे ना, तो मैं तो कह रहा हूँ गर्ल्स जितनी भी हैं सारे बेहोश होने वाली हैं। तो आज ना अम्मी बोल रही हैं कि ना आज वैलेंटाइन डे है, तो तू जो इतना तैयार शियार हो रहा है, तो मेरे ख्याल से
तूने कोई एक्स्ट्रा किसी मीटिंग पे जाना है? तो मैंने मेरे को बोला नहीं कोई एक्स्ट्रा मीटिंग नहीं है। तो मैं तो वैसे ही मतलब खुद तो अपनी पर्सनैलिटी ग्रो अप हो रहा हूँ, ग्रो अप मैन। तो अम्मी ने बोला वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है तेरी शक्ल ऐसी है ही नहीं कि तू कहीं मीटिंग शीटिंग पे जाए, तू है ही ऐसा, कौन तुझे लाइन देगी। तो भाई अब इतना दिल टूटा ना, इसलिए मैंने अब सोचा अब अपनी पर्सनैलिटी देखा, इसे ही मैंने टिश्यू बना लिया। तो बस अभी थोड़ी देर तक, वैसे ही ना बीच में मैंने अभी सुना था, भाई यार तो बहुत खूबसूरत हो गए, ये तो क्या अब बात अभी बोल रहे हैं तो इतना खूबसूरत हो गया। पहले मुझे बोलते थे कि अपनी शक्ल देख, तू कितना मैला है, कितना साफ होता है नहीं ये। बस भाई जरा नाक नोजी साफ कर ले वैसे। देखा, बस इंसान को बहाना चाहिए, मुझे बस अब टोंट मारने के लिए थोड़ा ना कोई बहाना मिल ही गया है। नोजी में मुझे लगता है कि पूरा चिड़ियाघर पसा हुआ है। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो सबसे पहले अपने नोजी साफ सुनना है, तो ये अब मेरे साफ सुथरा होना है आहिस्ता आहिस्ता। तो मांस को वैसे जरा छेड़ते हैं ना, ये जल्दी जल्दी नहाता नहीं है, कपड़े चेंज नहीं करता, बहुत सुस्त है, अब एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इंशाल्लाह जब से यूट्यूब पे आया हूँ रोजाना व्लॉगिंग हमारी हो रही है, तो इसीलिए अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चेंज मांस हो को रहा हूँ थोड़ा सा ना जोश दिलवाना पड़ता है, वरना जोश ये दिलवा। तो ऐसे ही है, तो आप भी अल्लाह मियाँ की मुझे, गाय है। आप भी मुझे कमेंट में जोश दिलवाओ कि यार ग्रो अप मैन, ग्रो अप मेहनत सर है ना, ऐसे ही ना। हाँ तो लेकिन मौज भाई आपने जोश के साथ होश से काम लेना है, ठीक है? जोश के साथ होश से। और आज वैलेंटाइन डे है आज मुझे कोई पिज्जा स्लाइस तो खिला दो। चलो पिज्जा नहीं लेके देते तो पिज्जा स्लाइस ही खिला दो, तो अब अम्मी वही क्योंकि आजकल मैं मैं वैसे भी डाइट पे हूँ। अब मैं अपने लिए गोंगलू कैसे पकाऊंगी, फीके फीके पकेंगे, मुझसे खाए नहीं जाते तो क्योंकि अब मेरा इसीलिए परहेजी अब पुराना हम होता है। ऐसा करते हैं, ऐसा हम जाते हैं कहीं पे मीटिंग पे जाते हैं, उसे ट्रीट शीट देते तो उस पे पैसे हराम होते। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ अब मैं अम्मी को ट्रीट पे ले जाता हूँ, अम्मी को पिज्जा खिलाते हैं भाई। क्योंकि ना बस ये जो लोगों ने अब नई पॉलिसी बनाई है, वो कहते हैं ये वैलेंटाइन डे नहीं, ये हया डे है। तो उसमें से 98% वो लोग हैं जो मतलब जिनकी ना सेटिंग हुई होती है, जिनसे ना कोई सेट होती है और जिन ना कोई लाइन देता है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो इसलिए अब वो बोल रहे हैं भाई ये हया डे है, वैलेंटाइन डे फजूल है। लेकिन चलो अच्छी बात है भाई, हम भी अभी जाते हैं अम्मी के लिए, अगर एक पिज्जा ना हुआ तो एक छोटा सा पिज्जा स्लाइस ही ले आएंगे। हाँ तो आज तो जो हमारा व्लॉग था, तो उम्मीद है आप सब लोग पसंद आए होगा। तो अगर आप लोग व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज तो जो हमारा व्लॉग था वो यहीं पे एंड करते हैं। तो अल्लाह ताला आप सब लोग खुश रखिए, आप अपना वैलेंटाइन डे बहुत खुशी से मनाए, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम जो जायज़ ख्वाहिशात है ना वो सारी पूरी हो, और दुआ की दरख्वास्त है, और बहुत बस इसी तरह सपोर्ट बना के रखें। तो अल्लाह हाफिज़।